नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे हर बापू, आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? हमारा पंडित रमाकांत शास्त्री ये बर्मान धाम में है, यहाँ पर नर्मदा का उत्तर तट बर्मान है। ब्रह्मा जी ने इस भूमि पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की है, इसलिए इसको ब्रह्मांड घाट बोलते हैं। ये अभी आप वर्तमान में गोपाल घाट पर हैं। गोपाल घाट भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम जी ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पर तपस्या की। ये है श्री गोपाल घाट। गोपाल इससे 10 कदम आगे आप पहुँचेंगे, आपको ब्रह्मांड घाट मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष एक आसन पर बैठकर तपस्या की है, इसलिए ब्रह्मांड घाट कहलाता है। अच्छा, और अभी आप ही अपर्णा शक्तिपीठ धाम गोपाल घाट परिसर में। अच्छा अच्छा बापू, ये ब्रह्मांड घाट में क्या क्या मंदिर है, दर्शनीय है, क्या क्या देखना है सनातन धर्म में आने वाले? हाँ, यहाँ ब्रह्मांड घाट के अंतर्गत में श्री गोपाल घाट पर अभी जैसे कि आपने महामृत्युंजय का दर्शन किया, प्रथम स्थान यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर, उसके बाद में यज्ञशाला है, यज्ञ वहाँ पर निरंतर होते रहते हैं। वाह, इस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा निरंतर चलती रहती है, अखंड संकीर्तन चलता रहता है। अच्छा, इस स्थान पर अब इस स्थान से आप करीब 25-30 कदम आगे चलेंगे तो आपको ब्रह्मांड घाट मिलेगा। तो ब्रह्मांड घाट पर बड़ा मंदिर राम जानकी मंदिर, यहाँ की मालकिन खेरापति मठ, वहाँ पर एक आशुतोष पांडे जी महाराज वहाँ का संचालन करते हैं, वो निज निवास यहीं के हैं। अच्छा, आगे आप पहुँचेंगे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यहाँ पर बहुत सुंदर दिव्य प्राचीन मंदिर है राजा महाराजों के हाथ का। उसके पास में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में आपके लिए चिंता हरण माता का दर्शन होगा, ये भी बहुत प्राचीन प्रतिमा है। उस दर्शन करने से समस्त चिंताओं का हरण होता है, इसलिए चिंता हरण माता है। ये तीन स्थान यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। इसके आगे आप पहुँचेंगे तो सद्धारा मिलेगा आपके लिए, वहाँ पर सप्त ऋषियों ने तपस्या की है, वो है सद्धारा नर्मदे हर। बापू, बीच में भी नर्मदा मैया बीच में भी है ना? हाँ, बीच में आप देख रहे हैं दीपेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदा की मध्य में है। परिक्रमा करते समय चाहे उत्तर तट हो चाहे दक्षिण तट हो, दोनों परिक्रमावासी वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने नीचे मानधाता की नगरी आपने ओमकालेश्वर में देखा, ओमकालेश्वर महादेव दोनों टापू के मध्य में है, मानधाता की नगरी में। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने बीच नर्मदा में जाकर 10,000 वर्ष भगवान शिव जी ने नर्मदा की तपस्या की है। अच्छा, ये है ये दीपेश्वर महादेव मंदिर है बीच में। या दत्त मंदिर बोल के भी है ना बाबा? हाँ, दत्त मंदिर आपके लिए, दत्त मंदिर भी उस तट पर मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, दत्त भगवान ने यहाँ पर तपस्या की। नरसिंहपुर जो जिला नाम से है, यहाँ पर नरसिंह भगवान ने भी अनादि काल तक यहाँ पर तपस्या की। वाह, सनातन धर्म के लिए कुछ संदेश बोलने जाते हैं बाबा? हाँ जी, सत्य सनातन धर्म के लिए हमारा ये संदेश है कि माँ नर्मदा को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि माँ नर्मदा इस कलि काल की प्रत्यक्ष धारिणी है। गंगा सतीत्व के लिए एक यज्ञोपवीत की, जो हम लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं उसकी लड़ी के समान, यज्ञोपवीत की एक लड़ी के समान गंगा बहेगी, और नर्मदा कल कल कर पूरे विश्व में भूमंडल में नर्मदा जीवन दायिनी भी है और मोक्ष दायिनी है, इसलिए स्वच्छ बनाना है नर्मदा के लिए। नर्मदा हमारी स्वच्छ रहेगी, हम और आप स्वच्छ रहेंगे। यदि नर्मदा को स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हमारा और आपका जीवन व्यर्थ है, इसलिए स्वच्छ भारत स्वच्छ नर्मदा। वाह 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 वाह, नर्मदे हर प्रभु, धन्यवाद प्रभु, नर्मदे हर।